खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मल्ला शहर के रहवासियों ने मल्ला डिंडोरी मार्ग पर किया वृक्षारोपण। जी हाँ, सड़क पर वृक्षारोपण, वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लगातार जिला प्रशासन से आम नागरिक सड़क मरम्मत के लिए हजारों बार जिला प्रशासन को आवेदन निवेदन कर चुका है, मगर जिला प्रशासन ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सड़क की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह सड़क पर गंदगी फैली हुई है, बद से बदतर हालात है। जहाँ देखो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है, मानो कोई सड़क पर नहीं खेत पर आ गए हों। आज आम नागरिकों का गुस्सा जिला प्रशासन पर उतरा और इस कीचड़ पर लोगों ने वृक्षारोपण कर दिया, ताकि अब जिले के जिम्मेदारों को कुछ शर्म आए। अपनी आंख में बंधी काली पट्टी को हटाकर आने जाने वाले लोगों की परेशानी देख सके। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी मार्ग से स्कूली छात्राएं, कॉलेज की छात्राएं, आम नागरिक, जिले के जिम्मेदार अधिकारी इसी रोड से निकलते हैं। लगातार इस रोड पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन नहीं चेता। मजबूरन जिले वासियों को आज प्रशासन की आंख खोलने के लिए सड़क पर वृक्षारोपण करना पड़ा। ये हम जितने यहाँ पे जनता रहती है इस क्षेत्र में, उनको रोज आने जाने में परेशानी होती है, तो सारी जनता मिलके अपना आक्रोश प्रकट कर रही है यहाँ पे पौधारोपण करके, है ना। और मिट्टी यहाँ पे जमी हुई है कि पौधे आसानी से लग जाएं, और रोज आए दिन एक्सीडेंट और महिलाएं बच्चे यहाँ जिनको कम गाड़ी चलाते बनती है रोज गिरते हैं। पानी की निकासी यहाँ से होती नहीं है, और आइट साइड के जितने जो लॉन वाले हैं रोड में अपनी फेंसिंग गाड़ लिए हैं, न यहाँ से नाली है न उस तरफ से नाली है, और फेंसिंग गाड़ने का जगह भी नहीं। साफ जगह हो तो निकल जाए गाड़ियाँ साइड से, वो भी नहीं है। और धर्म काटा होने के कारण यहाँ पे आए दिन ट्रकें खड़ी रहती हैं रोड में, देखिए आपके सामने ट्रक खड़े हुए हैं, रेगुलर ट्रक लगे रहते हैं, उसी के कारण गड्ढे और जे। और अगर जल्दी प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये जनता का आक्रोश है, इसको चक्काजाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ आम पब्लिक, कॉलेज की लड़कियाँ, यहाँ के स्कूली छात्र छात्राएं, अधिकारी कर्मचारी इस रोड से निकलते हैं, परंतु विगत दो वर्षों से देखा जा रहा है कि यहाँ के जो गड्ढे बने हुए हैं उसको प्रशासन माने किसी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण से जनता का आक्रोश है, ना कि चक्काजाम है। आपने पौधारोपण किया है? पौधारोपण इसलिए किया है कि यहाँ जैसे खेतों में जो लोग मचा करके रोपा लगाते हैं, यहाँ पे मचे हुए स्थान पे हमने पौधारोपण किया हुआ है, कि यहाँ प्रशासन मंडला का हृदय स्थल कहलाता है ये, परंतु प्रशासन को कोई ध्यान नहीं। इसके पहले भी शिकायत की, अनेकों बार हो गए शिकायत करती, अभी प्रतिदिन लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, लोगों को चोट लग रही है, परंतु प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी क्या घटनाएं हो चुकी हैं? कम से कम नहीं तो 50 से 100 घटनाएं हो चुकी हैं, और प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। आपका आंदोलन हो रही है? नहीं, आंदोलन प्रशासनिक जिम्मेदारी यहाँ पे, यहाँ की व्यवस्था सुधार जाए, हमारा कोई आंदोलन नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।